हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों का टाइम है, हम वेकेशन पे घूमने के लिए जाते हैं और ज्वेलरी भी पहन कर जाते हैं, और ज़्यादातर हम जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी पहन के जाते हैं तो उनके घूमने का और चोरी होने का डर बना रहता है। लेकिन इन ज्वेलरी को पहनने में सबसे बड़ी हमें दिक्कत ये आती है कि जब भी हम इनको पहनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और साथ साथ हमारे बॉडी के ऊपर दाने भी निकल आते हैं। तो अब करें तो क्या करें, तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से टेलकम पाउडर, और पाउडर लेने के बाद आपने जो भी ज्वेलरी पहननी है उसके ऊपर आपने इस तरीके से टेलकम पाउडर को छिड़क देना है, और इसको अच्छी तरीके से अपने जो भी आपने ऑर्नामेंट्स पहनने हैं उसके ऊपर कोट कर देना है। और इसके बाद जब आप इस ज्वेलरी को पहनेंगे तो आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा आपका ये फ़ायदा होगा कि गर्मियों में आपने देखा है पसीना बहुत आता है, अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो बहुत जल्दी काली हो जाती है। अगर आप इस तरीके से पाउडर लगाकर पहनेंगी तो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी काली नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नाड़े को लेके। दोस्तों, कई बार पेटीकोट हो, सलवार हो, किसी में भी हमारा नाड़ा निकल जाता है, जिसको डालने के लिए हमें नाड़ा डालने वाले की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है इसको डालने के लिए। पेन तो हम सबके घर पर होता ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन की मदद से बहुत ही आसानी से नाड़ा डाल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने नाड़े को पेन के अंदर डाल देना है। इसके बाद आप अपने किसी भी पेटीकोट सलवार में नाड़ा डालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका नाड़ा डल जाएगा और आपको किसी भी नाड़ा डालने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं पेन की मदद से मैंने कितनी आसानी से नाड़ा डाल लिया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉटम वियर को लेके। चाहे वो पेटीकोट हो, लेगिंग हो या कोई भी ट्राउजर हो, तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब हम इसको पहनने लगते हैं तो खिंचाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो अंदर चली जाती है, जिसके कारण हमें निकालने के लिए दोबारा से हमें स्ट्रिंग निकालकर इसको डालनी पड़ती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसके कारण आपकी स्ट्रिंग ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी और आपको बार बार इसको डालना भी नहीं पड़ेगा। उसके लिए लेना है आपने सुई धागा, और इसका जो बैक वाला हिस्सा होता है, जहाँ स्ट्रिंग है उसके जो बैक साइड पर हिस्सा होता है, वहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें स्ट्रिंग और लोअर के पार्ट को हमने इस तरीके से टांका लगा देना है। इस तरीके से आप एक दो बार टांका लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आप जब भी अपना लोअर वियर करेंगे तो आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये कभी भी नहीं निकलेगी। मेरी अगली टिप होने वाली है किचन टॉवल को लेके। दोस्तों, किचन में हम सब काम करते हैं, और काम करने के बाद जब हम हाथ साफ करने के लिए टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको डालने के लिए किसी ऑर्गेनाइज़र की जरूरत पड़ती है, और कई बार हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होता। तो मैं आपके साथ एक देसी जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप इसको टांगेंगे तो ये देखने में खूबसूरत भी लगेगा और साथ साथ आपको किसी ऑर्गेनाइज़र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपने लेना है टॉवल, और टॉवल लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से उसकी छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। ये देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने प्लीट्स बनाई हैं, इस तरीके से आपने छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है इस तरीके से कोई भी डोरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्लीट्स बनाई हैं इसके ऊपर हमने डोरी को इस तरीके से लेके जाना है और हमें इसको पीछे से बांध देना है। ये देख सकते हैं आपने इसको इस तरीके से बांध देना है, और अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से अब हम इसको कर देंगे हैंग। इसके बाद आप क्या करें, इस तरीके से इसको आप अपने किसी भी कील पे या हुक के ऊपर टांग कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टॉवल को अपने किचन में हैंग करके रखेंगे तो देखने में खूबसूरत भी लगेगा, और इसको हैंग करने के लिए हमें किसी ऑर्गेनाइज़र खरीदने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों, आजकल हम देख ही रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, अगर हम इस तरीके से अपने प्याज को स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा है हमारी बड़ी जल्दी प्याज जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, अंदर से गलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने प्याज को स्टोर करके रखना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कभी भी इस तरीके से प्याज को स्टोर नहीं करना है। आपको प्याज को स्टोर करने के लिए हमेशा इस तरीके की बास्केट का इस्तेमाल करना है जिसके नीचे होल हो, ताकि आपके प्याज को नीचे से हवा लगती रहे। अगर आपके पास इस तरीके की बास्केट नहीं है, इस तरीके की बास्केट है तो इसको भी स्टोर करने का बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ कि इसमें आप अपने प्याज को कैसे स्टोर करके रखें। उसके लिए लेना है आपने कोई भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा, और टुकड़ा लेने के बाद आपने अपने प्याज वाली टोकरी के नीचे इस तरीके से टुकड़े को बिछा देना है।
और बिछाने के बाद क्या करना है, आपने प्याज को आपने इसके अंदर डाल देना है और साथ ही साथ आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े और लेने हैं और आपने इस तरीके से प्याज के बीच में डाल देना है। इसके बाद जब आप अपने प्याज को स्टोर करके रखेंगे तो आपके प्याज बिल्कुल भी गलेंगे नहीं। उसका फायदा क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको आपके न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब करते रहेंगे और आप इसको खुले में रखेंगी तो इसके अंदर हवा भी जाती रहेगी जिससे कि आपके प्याज काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं हो। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की प्लास्टिक की खाली बोतल को लेके, जिसको कि अक्सर हम कबाड़ में फेंक देते हैं, तो आज इसका एक बहुत ही बढ़िया रियूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने किसी नाइफ की मदद से यहाँ से बोतल को कट कर देना है। अब हमें लेनी है एक सीजर और सीजर की मदद से हमें इसको इधर से भी कट लगानी है। इस तरीके से हम इसके अंदर पतले पतले पूरी बोतल में गोलाई में कट लगा देते हैं। आप जितनी पतली स्ट्रिप्स कट करेंगी उतना ही आपके लिए ये टूल आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, कई बार हमें कड़ी के लिए दही को फेंटना पड़ता है या हमें लस्सी के लिए दही को फेंटना होता है तो उसके लिए हमें विस्कर की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है विस्कर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो उस टाइम पे हम इसको कैसे फेंटें। जो हमने ये टूल बनाया है इसकी मदद से आप अपने दही को बहुत ही आसानी से फेंट सकती हैं। चलिए मैं आपको फेंट के भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा दही जो है फेंट के तैयार होता है। ये देख सकते हैं कि हमारा दही कितनी आसानी से बिना बीटर के फिट के तैयार हो गया। अभी मैं आपको चम्मच की मदद से भी आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इक्वली हमारा दही फिट के तैयार हो गया है बिना किसी बीटर के। दोस्तों लहसुन छीलना तो हम सबको बहुत सरदर्दी का काम लगता है, खासकर जब हमें ढेर सारा लहसुन छीलना होता है, तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से अगर आप लहसुन छीलेंगे तो आप ढेरों लहसुन मिनटों में ही छीलकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने लहसुन को कलियों में अलग कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है ढक्कन, आप कोई भी पैन का ढक्कन ले सकते हैं, और ढक्कन लेने के बाद जो भी आपने लहसुन छीलना है उसको आपने इस तरीके से पैन के ढक्कन की मदद से ऊपर से कट कर देना है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लहसुन को छीलते हैं तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये बड़ा हार्ड होता है, जिसको छीलने में हमारे काफ़ी सारे नाखूनों में भी दर्द होता है। अब इसी तरीके से मैंने ले लिया है दूसरी लहसुन की कली, इसको भी हम क्या करेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट को ढक्कन की मदद से कट कर देंगे और साथ में इसके नीचे वाले पार्ट को भी हमने ढक्कन की मदद से कट कर देना है। अब इसकी मदद से आप लहसुन छीलेंगे तो देखिए आप लहसुन आपका मिनटों में ही छीलकर तैयार हो जाएगा, ये देखिए। चलिए फ्रेंड, ये तो था पहला तरीका लहसुन छीलने का। अगर मैं आपको दूसरा लहसुन भी तरीका बताती हूँ कि आप किस तरीके से लहसुन छील सकते हैं, उसके लिए पहले आपने लहसुन को कलियों में अलग कर लेना है और उसके बाद लेना है आपने इस तरीके से कोई भी क्वाइन। क्वाइन लेने के बाद आपने क्या करना है, जो भी लहसुन की कली को छीलना है आपने इसके क्वाइन के ऊपर इस तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, आपने इसकी दोनों साइड्स को इससे प्रेस कर देना है और इसके बाद आप लहसुन छीलेंगे तो देखेंगे आपका लहसुन जो है मिनटों में ही छीलकर तैयार हो। इस तरीके से आप किलो किलो लहसुन मिनटों में ही छीलकर तैयार कर सकते। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।